navigation bar, home button. Double tap to activate, double tap it. Vibration. ठीक है, ठीक, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर बोलो सर, एग्जाम्पल सेवन। एग्जाम्पल सेवन, दिस चैप्टर इज ऑल्सो गोइंग ऑन फ्रॉम एनसीईआरटी। यस सर। सेवन, ठीक है। नाउ क्लास गर्ल्स, हाइट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर सेवन, फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30° एंड 45°। Respectively, if the bridge is at a height of 3 meters from the bank, find the width of the river. देखो, there are two banks of the river, A and B. ऐसे ये दो बैंक्स है, ऐसे प्रो कर रहा है रिवर, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रो कर रहा है और ये पुल है, ऐसे ऐसे ये पुल है, ऐसे ब्रिज है, ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है। एक इसका देयर आर टू बैंक्स ऑफ द रिवर ए एंड बी, ये फर्स्ट बैंक है और सेकेंड, आफ्टर द क्रॉस ऑफ द रिवर देर आर टू बैंक्स ऑफ द रिवर ए एंड बी, ए इस पार का है और बी उस पार का है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रिवर ऑन ए ब्रिज, ब्रिज पर एक पॉइंट के लिए ऑन ए पॉइंट ऑफ द रिवर ऑन ए ब्रिज अक्रॉस रिवर, the angular depression of the banks on opposite sides of the river are 30° and 45°. ये अपोजिट साइड में दो पॉइंट है, अपोजिट बैंक में दो पॉइंट है, ए और बी दो प्लेसेज है, और ये जो है पॉइंट ऑन द रिवर ये ब्रिज पर है, सी इज ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, पी मान लो इसको, सी नहीं पी मान लो, पी जो है पॉइंट है ब्रिज पर और ये बैंक है, फर्स्ट बैंक ऑफ द रिवर सेकेंड बैंक ऑफ द रिवर, वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये उसका ब्रिज है, ऐसे ऐसे पास कर रहा है ब्रिज, ये ठीक है ना, ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे ब्रिज बना हुआ है और ये ब्रिज पर पी ये पॉइंट ऑन द ब्रिज और ए और बी तो बैंक ऑफ दी रिवर, बैंक मीन्स किनारा, एक किनारा ये है दूसरा किनारा ये है, पी ये पॉइंट है वह ब्रिज पर है, जो एंगल डिप्रेशन ऐसे बनता है, एक पॉइंट एक बैंक ए से डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है और पी पॉइंट दूसरा जो बैंक है किनारा है बी से डिप्रेशन बना रहा है और ये हाइट ऑफ दी
हाइट ऑफ दी रिवर हो गया, ये हाइट ऑफ द रिवर। तो इफ द ब्रिज इज ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, ये 3 मीटर है, ये जो है आपको 3 मीटर है यहां से हाइट है ही 3 मीटर हाइट ऑफ द 3 मीटर जो है इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक। ब्रिज जो है ये किनारा ये है रहेगा, इससे 3 मीटर की दूरी पर आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये बीच निकालना है आपको, डी पॉइंट मान लो, यहां पर डी पॉइंट मान लो, एडी का लेंथ एक्स मान लो और बीबी का लेंथ वाई मान लो। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो। अरे फिगर इज क्लियर और नॉट, अब बोलो नहीं कर। Yes, sir. अरे एबी इज दीच ऑफ दी रिवर है, रिवर नदी का किनारा कौन है, ये बीच चौड़ाई जो है नदी का ये है, ये ए से बी तक पानी फ्लो कर रहा है ये, और ये हाइट है, हाइट ऑफ द ब्रिज है फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द ग्राउंड हो गया 3 मीटर, और बी पॉइंट पर बैंक ए से किनारा ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री मान लो, और दूसरा बैंक किनारा बी से बी पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है, ऊपर से जब नीचे देखते हैं यहाँ पर एंगल डिप्रेशन बनेगा, यहाँ से यहाँ देखते हैं दूसरे बैंक को देखते हैं किनारे को, तो डिप्रेशन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, किताब लेकर आप चल आए, हम यहाँ चालू मतलब किताब पूछ रहे हैं, राइट। तो फाइंड द बीट ऑफ द रिवर, यानी एडी और डीबी को ऐड कर देंगे तो बीट ऑफ द रिवर फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसमें क्या लगाएंगे बोलो, ये 30 डिग्री है, ये 25 डिग्री है। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल लिखो, फ्रॉम ट्रायंगल ए पी डी ए डी पी एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री बोलो, देन ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड एबी ट्रांसवर्सल, देयरफॉर अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। तो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल एबीपी टैन 30 डिग्री बोलो, ये 3 मीटर है पीडी, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एबी एक्स है, बेस इसका एक्स है, तो 1/3 इक्वल टू लिख देते हैं 1/3 इक्वल टू 3/x, x इक्वल टू 3√3। चलो x निकल गया, अब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, यानी वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BD। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल बोलो, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल BDP, BDP एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, तो टैन 45 ये 45 हो जाएगा, तो टैन 45 डिग्री हो जाएगा बोलो, 3/3/3/y 1 इज इक्वल टू 3/y हो गया, y इज इक्वल टू 3 मीटर। देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज AB, AB इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी ये हो गया 3√3 + 3, 3 + 3√3 मीटर, यानी हो गया आपको 3 कॉमन निकालो 3 + 1 मीटर। देखो एक्सर, ठीक है 3 × √3 + 1 मीटर, इज इट करेक्ट, यस सर, हाँ यस। मेन इसको फिगर समझना है,
देखो वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है पी टू डी ऐसे, एक किनारा इसका ये है दूसरा किनारा भी है रिवर का, अब पूल ऐसे बना हुआ है कि किनारा यही में है तो ऐसे बना हुआ है और वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है और ब्रिज पर एक पॉइंट भी है जहां से एंगल डिप्रेशन बैंक ए का 30 डिग्री है और बैंक बी का 45 डिप्रेशन ऊपर बनता है जो ऊपर से नीचे देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर डिप्रेशन बनेगा और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर डिप्रेशन बनेगा ठीक है और ब्रिज जो अभी डिवर्क हो गया ये भी और ब्रिज का हाइट जो है ग्राउंड से 3 मीटर है ये ग्राउंड हो गया वाटर का ठीक है वाटर इसको फ्लो करना ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन सरफेस वॉल्यूम ऑफ ओशन सरफेस वॉल्यूम का है आपको बोलो जो स्टार्ट नहीं किए यस सर सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है आप बोलो ना अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर विद टू सरफेस This question is from NCERT. No, sir. But this is for a high school. This question is... Sir, it's a sample paper question. Okay, no problem. Question from NCERT. How much service is it? Sir, it's a sample paper. एक मिनट वॉल्यूम सरफेस एरिया चलो सिलेंडर का है ना सिलेंडर है इसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर एक मेडिसिन कैप्सूल WhatsApp checking for new messages. Right. Message WhatsApp getting messages from 11 chats. Question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. Ina? No, sir. कैपेसिटी फाइंड करना है बोलो क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन बोलो मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर द कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल इज कैपेसिटी अच्छा यस सर क्वेश्चन से केवल उसने वॉल्यूम मेजर करना है कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम देखो ए मेडिसिन कैप्सूल बीच में सिलिंड्रिकल है ठीक है यस सर और दोनों ही पॉइंट पे हेमिस्फेरिकल इंच लगा हुआ है ऐसे क्लियर हुआ यस सर ऐसे है और ये दिस इज द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन और ये रेडियस ऑफ दी हेमिस्फीयर ये रेडियस ऑफ दी हेमिस्फीयर हो गया अब बोलो क्या है रेडियस ऑफ दी हाइट ऑफ दी डायमीटर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर और इंटायर कैप्सूल का लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर समझ गया ये 2 सेंटीमीटर हुआ इंटायर लेंथ मीन्स हो गया हेमिस्फीयर का रेडियस दो रेडियस और सिलेंडर का हाइट है ना अरे इन्हें रेडियस हुआ यूनिट रेडियस हुआ कि टोटल लेंथ कितना है बोलो 2 सेंटीमीटर यस सर अच्छा 2 सेंटीमीटर लेंथ तो ये देखो कोई भी हेमिस्फीयर होता है या स्फीयर होता है ना दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ये भी रेडियस होता है ये भी रेडियस होता है ये भी रेडियस होता है ना तो दिस इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दिस इज रेडियस ऑफ दी हेमिस्फीयर दो रेडियस जो है टू रेडियाई ऑफ दी सेम स्फीयर का इसमें हाइट में क्या है इंक्लूड है
अरे ये भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इंटायर लेंथ ऑफ द मेडिसिन कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर, इंटायर लेंथ है ना? यस सर। इसमें दो रेडियस वाला माइनस हो जाएगा, तो वो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। लिखो डायमीटर कितना बोली है? 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर रेडियस क्या हो जाएगा? 0.5 बाय 2 सेंटीमीटर होगा ना? रेडियस ऑफ दी हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। हाँ हम गलत पार्टनर ऐसे करेंगे, ठीक है, पॉइंट में रहने देंगे। तो ये आपको हो गया 5/20 यानी 1/4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं रेडियस? ये 2 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर लिखो, हाइट ऑफ सिलेंडर का पोर्शन, सिलेंडर इसमें से टोटल वैसे 2 सेंटीमीटर में से 2 रेडियाई माइनस कर देंगे, यानी 2 × 1/4 माइनस कर देंगे, ठीक है? ये ठीक है ना? यस सर। नहीं करेंगे तो 2 में से हाफ गया, दे मीन्स 2/4 में से 3/2 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया, ठीक है? रेडियस हो गया 1/4 सेंटीमीटर। तब कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ दी इंटायर कैप्सूल, कैपेसिटी इज इक्वल टू सिलेंडर का कैपेसिटी प्लस 2 हेमिस्फीयर का कैपेसिटी को मिला देंगे तो 1 स्क्वायर का कैपेसिटी होगा ना? अरे इसमें 2/3 / 2/3 / 2 ऐड कर देंगे तो 4/3 / 2 होगा ना?
चलो सॉल्व करो इसको। बाईस बटा सात गुने 11 बाईस 96 हो जाएगा। तो कटेगा ही नहीं, डिवाइड करो, डेसिमल में अक्सर है, अगर डेसिमल पे है तो कटेगा। ये से ये काट 48 गुना 96 और यस सर, में ही आंसर है ना। तो 141 और 48 को 7 से करो, 756 5 28 5 33 तो 121 पे 336 से डिवाइड करो तो 121 डिवाइडेड बाय 336 856 728 533 ठीक है। 121 में डिवाइड करो, 121 में 336 से डिवाइड करो, पॉइंट होगा ये 4 से लगाओ 624 4 हाथ में 1 तीन मतलब रहेगा 3 6 18 1 10 को सुना हमने 1 9 1 10 2 हो गया 0 हो गया 2 हो गया डेसिमल है प्रथम भाग लग गया 0 पड़ेगा यहाँ पर डिजिट जीरो पड़ेगा। चलो 36 18 36 18 21 18 21 20 हाँ 6 से लगाओ 0.36 हाँ 36 सच इतने रह लो क्या कितना आंसर है यस सर 30.36 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सही है, यही आया 36 सेंटीमीटर क्यूब। चलो हो गया। Container at the rate of 192.5 liters per minute. Find the rate of flow of water in the pipe in kilometer per hour. Question ठीक से बोलो. I do not understand your question. कौन किताब से है? Sir, R S Agarwal का exercise 17B, the question number 28. R S Agarwal का है. अस्थिर से बोलो ना, हमारे कितना ये हो रहा है, तो वीडियो बंद कर दो। सब वाटर रनिंग इन अप एक स्टॉप रिकॉर्डिंग वीडियो बटन डबल टैप 24:35 24